अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से मैं मोहम्मद सुहेब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो है 5 मरला के घर ऑन इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें आपके पास ऑप्शन है 4 बेड की। ये कौन से घर हैं? ये घर हैं ओवरसीज़ विलास। लोकेशन इनकी अगर हम बात करें, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 इनकी लोकेशन है। डिटेल में आपको इस विलास के बारे में सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को जो है आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, फिर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा मैं आपको इसमें जो है बुकिंग का प्रोसीजर भी गाइड करूँगा। ओवरसीज़ अगर विला की हम बात कर लें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 में इनकी लोकेशन है। बहरिया ऑर्चर्ड जो है मेन राइविंड रोड के ऊपर है। जब आप ड्राइव कर रहे हैं फ्रॉम अड्डा प्लॉस टूवर्ड्स लेक सिटी, तो लेक सिटी क्रॉस करने के 3 से 4 मिनट की ड्राइव के बाद आपकी राइट साइड के ऊपर जो है बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 आ जाता है, जिसके 2 गेट हैं एंट्रेंस के, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के साथ ही जो है फेज़ 2 है। अगर आपने बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 में आना तो आपको गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 जो है वो यूज़ करना पड़ता है। बट क्योंकि विलास जो है ये OLC B ब्लॉक में, तो इनकी लोकेशन जो बड़ी प्राइम बन रही है। आपने जब विलास की तरफ जाना है तो आपने गेट नंबर 1 यूज़ करना है। जैसे ही आप गेट नंबर 1 से अंदर एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर जो है सबसे पहले ब्रॉडवे हाइट्स आता है, जो कि एक मॉल है, अच्छी ऑप्शन है, और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती है। आपको उसमें सुपरमार्केट मिल जाती है। इसी 200 फीट रोड के ऊपर अगर आप रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है बहरिया का स्कूल आता है, और उसके साथ ही जो है वो अरीना सिनेमा भी है। और यही 200 फीट रोड जो है ये आपको OLC B ब्लॉक में लेकर जा रही है। तो मतलब बहुत प्राइम लोकेशन जो है ओवरसीज़ विलास की बन जाती है। और अगर हम इस 200 फीट रोड के नीचे आ जाए, नीचे वाली साइड के ऊपर आ जाए, तो हमें 1 कनाल के विलास मिल जाते हैं, जहाँ पर फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, जो कि फेज़ 1 कहलाता है। और इसी 200 फीट रोड से नीचे अगर हम आएँ गेट नंबर 2 की तरफ जाएँ तो हमें जो है वो पेट्रोल पम्प भी मिल जाता है, हॉस्पिटल मिल जाता है, मस्जिद मिल जाती है। मतलब बड़ी प्राइम इसकी लोकेशन बन जाती है। और अगर हम OLC B ब्लॉक की इटसेल्फ बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रेजिडेंस है, और जो लोकेशन ओवरसीज़ विला की बन रही है इसके करीब ही जो है वो काफ़ी घर बने हुए, फैमिलीज़ वहाँ पर जो है वो रह रही हैं। इसको 200 फीट रोड जो है फ्यूचर में इंशाल्लाह कनेक्ट करेगी, जिससे इसकी अप्रोच जो है वो मज़ीद बहुत बेहतर बन जाएगी। प्राइसेस की अगर हम इसमें बात करें तो 3 साल का इसका पेमेंट प्लान है। टोटल अमाउंट जो चार बेड वाले घर की है 5 मरला में, वो आपको मिलती है 77 लाख और 90,000, और 3 बेड वाले की आपको टोटल अमाउंट जो मिलती है वो मिलती है 72 लाख और 90,000। मतलब 72,90,000 में आपको 3 बेड का जो है वो घर मिल जाता है। डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें, दोनों की डाउन पेमेंट जो है वो 25 लाख है, और इसका ब्रेकआउट ऐसे है कि अगर आप विला नंबर के साथ अभी बाइंग करते हैं, जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगी वो हम आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें से जो है वो सिलेक्ट कर लें, देन आपने 25 लाख अभी पे करना है। बट अगर आप ये कहते हैं कि मैंने बैलेटिंग में जाना है, 12.5 लाख रुपये आपने अभी पे करना है, और 12.5 लाख रुपये आपने एट ए टाइम ऑफ बैलेटिंग जो है वो पे करना है। दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें डाउन पेमेंट जो है दोनों की सेम होगी, बट मंथली इंस्टॉलमेंट जो है दोनों की चेंज होगी। 4 बेड वाले की आपको मंथली इंस्टॉलमेंट मिलती है 1,08,000 तकरीबन 900 रुपये, जबकि 3 बेड वाला की आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है 95,000 बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। तो आपने अभी डाउन पेमेंट पे करनी है, डाउन पेमेंट के बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 3 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट है। पोजेशन इसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 2 साल में इसमें पोजेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पोजेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। तो बड़ी बेस्ट ऑप्शन आपको बन जाती है, बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको जो है ये ऑप्शन मिल रही है। अब अगर इसमें हम बात कर लें इसके लेआउट की, तो आपको जो 5 मरला में ग्राउंड फ्लोर के बाद गैरेज प्लस आपको जो है ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन और एक पाउडर रूम मिलता है, और ऊपर जो है आपको एक लिविंग रूम मिलता है। इसमें आपको ऊपर जो किचन मिल जाएगा। अकोमोडेशन की अगर इसमें बात करें तो नीचे आपको 1 बेड प्लस अटैच बाथ, और ऊपर आपको 2 बेड विद अटैच बाथ मिलते हैं अगर आप जा रहे हैं 3 बेड में। और अगर आप 4 बेड में जा रहे हैं सेम होगा, बट आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो 3 बेड की ऑप्शन मिल जाएगी। सेकंड चीज़ इसमें जो एडवांटेज आपको है वो ये है कि ये डबल यूनिट है। डबल यूनिट मीन ये कि 5 मरला में मोस्टली जो अपस्टेयर्स होती हैं, जो ऊपर वाले पोर्शन में आपको लेकर जाती है, वो इनसाइड घर की होती हैं, बट इसमें जो है वो आउटसाइड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फ्यूचर में जो है रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप बड़ी ईजिली इसको जो है, अगर आपने एक पोर्शन रेंट आउट करना है तो आप बड़ी ईजिली जो है एक पोर्शन में अपनी जो है रेजिडेंस रख सकते हैं, दूसरा पोर्शन जो है आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप इस लोकेशन के ऊपर प्लॉट बाय करके अपना घर बनाते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है। वो आपको अराउंड 90 के करीब जो है वो कॉस्ट कर जाता है। ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं। और अगर आप बना बनाया कर लेने जाते हैं तो वो आपको 95 1 करोड़ से लेके 120 तक का जो है उसका रेट मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जो है वो रेशियो है। मेजर जंप जो है वो एट ए टाइम ऑफ पोजेशन लगता है और उसके बाद जो है वो फिर विद टाइम जो है उसमें गेन आपको होता रहता है। तो आप जो है इसमें अच्छा खासा जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको रेंट आउट करते हैं तो एक तो आपको रेंटल इनकम आ रही होगी और रेंटल इनकम के साथ आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी वो एप्रिशिएट हो रही होगी विद टाइम। तो आपके पैसे भी एप्रिशिएट हो रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी एप्रिशिएट हो रही है, प्लस आपको जो है रेंटल इनकम भी इसमें आ रही है। और अगर आप अपनी रेजिडेंस करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी डी बेस्ट ऑप्शन है। उसकी रीज़न यही है कि अगर आप खुद बनाते हैं तो आपको उसमें जो है एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है और अगर आप बना बना देते हैं वो भी आपको काफ़ी महंगा कॉस्ट करता है। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसमें आप काफ़ी सारे मसले मसाइल से जो है वो बच जाते हैं। आपने जो है पहले प्लॉट बाय करना है, प्लॉट के लिए आपने टोकन पे करना है, आपने बयाना करना है, आपने फिर जो है उसके पे ऑर्डर बनाने हैं, आपने ट्रांसफ़र करानी है और उसके बाद फिर एक अलग टेंशन स्टार्ट होती है। आपने पोजेशन, यूटिलिटीज़, मैल, फिर आपने जो है वो वहाँ पे पानी का कनेक्शन लगवाना है, आपने मोटर वहाँ पे लगानी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, आपने जो है बिल्डर को ढूंढना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है। फिर आपको एक सबसे बड़ी टेंशन ये कि जो आपका बिल्डर के साथ आपकी बात हुई है, क्योंकि मोस्टली जो है एग्रीमेंट करते हैं, बट कुछ लोग जो है वो एग्रीमेंट नहीं भी करते। अगर एग्रीमेंट करते भी हैं तो उसमें भी आपने, उस केस में भी आपने वहाँ पे जो है हर टाइम उसके सर के ऊपर खड़े रहना है कि वो जो आपकी इसके साथ बात हुई है उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है या वो नहीं चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो आप बच जाते हैं और आपको जो है एक बनी बनाई चीज़ जो मिल जाती है। स्पेशली जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, 1 साल 1.5 साल का टाइम निकाल के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो तो उनके लिए तो ये बड़ी बेस्ट ऑप्शन बन जाती है कि आप बनी बनाई चीज़ जो आपको मिल रही है। अब वो ओवरसीज़ क्लाइंट जो है इसमें बुकिंग कैसे करवा सकते हैं उनको मैं गाइड करता चलूँ कि आपकी प्रेजेंस जो है मैंडेटरी नहीं है। इसमें हमें आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपके नॉमिनी का, नेक्स्ट टू किन का आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपकी जो है वो फ़ोटो चाहिए होती है, आपका ईमेल आईडी, मेलिंग एड्रेस और आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, हम उनके प्रिंट आउट लेते हैं, पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम आपको उसकी रिसीव जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आपके हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के आपके, आप दुनिया के किसी भी कोने में, आप कनाडा में है, यूएसए में है, यूरोप में है, हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर डिलीवर कर देते हैं। बड़ा इसका ईजी और बड़ा इसका ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रोसीजर है। इसमें अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है। 94-95 के करीब जो है ये यूनिट्स आए थे, विद नंबर और विदाउट नंबर दोनों जो है काफ़ी हद तक सोल्ड आउट हो गए हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, बट लिमिटेड ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हमारे पास हैं। तो आप इसमें जो है बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप इसमें बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह इसमें आपको जो है बुकिंग मैं करवा कर दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।